2 जुलाई 2020 की रात दबिश के दौरान बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे व उसके साथियों ने सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि इसके बाद विकास दुबे व उसके 5 अन्य साथियों को स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ में मार गिराया था। फिर प्रशासन के निर्देश पर विशेष जांच टीम SIT ने जांच शुरू की थी, जिसमें गैंगस्टर और उसके खजांची जय वाजपेयी द्वारा जय राम की अकूत संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले थे। पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही भी की थी। इसके तहत अपराधी की संपत्तियों को जब्त भी कर लिया गया था। तो वहीं DM नेहा शर्मा के आदेश पर पिछले दिनों कुख्यात की संपत्तियों का मूल्यांकन हुआ था। आपको बता दें कि जब्त विकास दुबे की संपत्तियों का रिसीवर तहसीलदार बिल्हौर को नियुक्त किया गया है। तो वहीं तहसील सभागार में पंचायत भवन में रखे गैंगस्टर के 653 बोरे अनाज की नीलामी भी हुई। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया नीलामी प्रक्रिया में 608 बोरे गेहूं व 45 बोरी चावल को 1,05,000 रुपए में नीलाम कर दिया गया। बाजार भाव में कीमत 8 लाख की थी, लेकिन 2 वर्षों से बंद अनाज खराब हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।